और तब प्रधानमंत्री ने सम्मानित होने वाले तीनों भारत के सपूतों के लिए कहा, नानाजी देशमुख द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान की उन्होंने चर्चा की और कहा कि नानाजी देशमुख, उन्होंने ग्रामीण विकास में जो योगदान दिया उसने हमारे गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक नई राह दिखाई। उन्होंने दलितों के प्रति विनम्रता, करुणा और सेवा का हमेशा भाव दिया है। वे सही मायने में भारत रत्न हैं। ये शब्द प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नानाजी देशमुख के लिए। डॉक्टर भूपेन हजारिका के लिए उन्होंने कहा, और आगमन हो रहा है दरबार हॉल में माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद का। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो आज के अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की। आज के इस अलंकरण समारोह का आयोजन श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत एवं श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री नानाजी देशमुख की ओर से श्री वीरेंद्र जीत सिंह। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका की ओर से उनके पुत्र श्री तेज हजारिका। श्री प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय। अलग अलग क्षेत्रों में अपने असाधारण कार्यों से भारत को और शान में उसकी वृद्धि करने वाले अमूल्य रत्न भारत रत्न हैं, जिनके विचार में, कार्य में, लक्ष्य में केवल भारत की सेवा है। वे साधारण कहां होते हैं और उन्हीं में से तो देश को मिलते हैं भारत रत्न। धन्यवाद। नमस्कार।